साथ मैं हूँ सबीना तामंगेश। आज देश दीपावली मना रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे भारत में त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में यजमान बनकर शामिल हुए और अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने तक दीपावली का ये माहौल जो इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, यही कुछ अद्भुत अदम्य तौर पर सामने आया। दिए रोशन किए गए, खुशी मनाई जा रही है। अयोध्या ही नहीं, राम के मानने वाले, राम को जानने वाले, उन्हें दिल से अपनाने वाले हर शख्स के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा भारत आज जगमगा रहा है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। लाखों मंदिरों में दीप जलाए गए हैं और ये लाखों दिए इस वक्त आपके सामने भी। इस वक्त सभी राम मंदिर को अंदर से भीतर से देखना चाहते हैं, रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। मंदिर के अंदर न्यूज 18 इंडिया के 4 रिपोर्टर्स भी पहुंचे। सबसे पहले अरुण सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, जिसमें आपको श्री राम के भव्य दर्शन होंगे। उनके बारे में सोचिए और देखिए, ये भव्यता देखिए, ये दिव्यता देखिए, क्या कारीगरी है, क्या नक्काशी है और किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया। जरा ऊपर गुंबद दिखाइए जयपाल जी, ये देखिए गुंबद देखिए, जरा ये देखिए इसमें सजावट देखिए और लोग किस तरह से देखिए। अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं राम मंदिर के अंदर और आज ही यही मंदिर आज ही राष्ट्र को समर्पित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की है और आज ही हम आपको दर्शन करा रहे हैं। देखिए आइए आइए, आपको लेके चलते एक दूसरे कक्ष में हम आ गए। जरा इसकी भी सजावट देख लीजिए, आपको बारी बारी से सब दिखाऊंगा, बारी बारी से दर्शकों को सब दिखाएंगे, कैसे फूल लगाए गए हैं, कैसे पत्तियां लगाई गई हैं, कैसे बंधनवार सजाए गए हैं, देश और दुनिया के बेहतरीन फूल लाए गए हैं, देश के बेहतरीन कलाकारों ने इसे तैयार किया है। आप देखेंगे शायद आपके रोएं खड़े हो जाएं, शायद आपके दिल में एक उत्कंठा भर जाए, शायद आपकी आंखों में पानी आ जाए, शायद आपकी भावनाएँ संभाले नहीं संभले, शायद आप 500 सालों के संघर्ष को याद करके आँखों में आंसू ले जाएँ। देखिए ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है उस जगह पे जहां पर प्रभु श्री राम की बाल्यकाल की मूर्ति, 5 साल के बालक जिसके अंदर राजा का भी एक तरह से झलक दिखाई देती है, वो देखिए यहां पर गर्भगृह के अंदर मैं जा रहा हूं। अब गर्भगृह जा रहा हूं, गर्भगृह के अंदर आपको ले चलता हूं। देखिए आप देखिए, यहां पर यहीं पर पूजा पाठ हुआ है, आज पूरे दिन विधि विधान से कार्यक्रम हुए हैं, किस तरह से बंधनवार लगा करके फूल से पत्तियों से खूबसूरती से इसे सजाया गया है। और अब आपको मैं लेके चलता हूँ, दिल थाम के बैठिए, न्यूज 18 इंडिया पर आप सीधे दर्शन करिए प्रभु श्री राम की बाल्यकाल की मूर्ति का, सीधे दर्शन करिए, आप दर्शन करिए यहाँ पर। एक सेकंड जरा जाने दीजिए, एक सेकंड, ये जो गर्भगृह की तस्वीरें हैं वो आपको सीधे मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ जयपाल रावत जल्दी आइए और दिखाइए प्रभु श्री राम की ये श्यामल वर्ण की अद्वितीय अलौकिक अनोखी ये प्रतिमा है जिसमें आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्रभु श्री राम यहाँ पर विराजमान है। सदियों के संघर्ष, सदियों की मुश्किल के बाद मैं भी दर्शन कर रहा हूँ। देखिए जयपाल जी, मैं भी दर्शन कर रहा हूँ प्रभु श्री राम के। देखिए दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, आप देखिए जरा मूर्ति को देखिए, निहारिए, आप आशीर्वाद लीजिए, आप जी भर के देख लीजिए, आप अपनी आंखों की उत्कंठा को पूरी कर लीजिए। चंपत राय जी सामने खड़ा है हाथ जोड़ के, चंपत राय जी ये तपस्या जो फलीभूत हुई है, चंपत राय जी कोई शब्द तो नहीं उनके मुंह से निकल रहे हैं लेकिन जिस तरह की भावनाएं हैं, देखिए यहाँ पर बहुत धक्का मुक्की, बहुत भीड़ है, लेकिन एक बार फिर कहूंगा जयपाल रावत इस मुश्किल घड़ी में भी किस तरह से न्यूज 18 इंडिया आपको दर्शन करा रहा है। राम मंदिर वाकई बहुत खूबसूरत बनाया गया है, भव्य दिव्य बनाया गया है। हमारे रिपोर्टर पंकज भार्गव ने मंदिर के अंदर की कुछ और खास बातें कुछ इस खास अंदाज में लिखा। ये वो जगह है जो
500 साल का सपना पूरा करती हुई नजर आ रही है। शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी वो दिन आ जाएगा कि इतना भव्य रूप ये मंदिर ले लेगा, और वो सपना आज साकार हो गया है, आज इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित हैं। जब हम पहले यहाँ आया करते थे और उस वक्त लगता नहीं था कि ये दिन आ जाएगा, इतनी जल्दी आ जाएगा, और अब आखिरकार वो दिन आ गया। देखिए, जब चंपत राय हमसे कहा करते थे कि दिसंबर तक किसी भी तरीके से तैयार हो जाएगा, दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा मंदिर, फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल तैयार होगा और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, तो हम आते थे तो हमें लगता था कि काम तो अभी बहुत ज्यादा बाकी है, क्या पूरा हो पाएगा, नहीं पूरा हो पाएगा। और फिर 30 दिसंबर से पहले एक बार बुलाया गया यहाँ पर मीडिया पर्सनों को, तब हमें लगा कि मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन इतना भव्य दिखेगा ये नहीं मालूम था। सिंह द्वार से हम अंदर आ रहे हैं और अब हम मंदिर के मेन प्रांगण में आ गए हैं। मंदिर का तो आप नीचे फर्श दिखाइए जरा, कितने सुंदर तरीके से फर्श जो है ये मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ये पंकज जी, अगर हम बात करें तो ये जो मार्बल्स है ना, ये राजस्थान से लाए गए हैं और बेहतरीन नकाशी इस पर की गई, और इसमें अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग है, और इस पर काम जो हुआ लास्ट 6 महीने में हुआ है, लग नहीं रहा है। युद्ध स्तर पर क्योंकि एक डेट थी 22 तारीख को, इसको पूरा करना था, प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो इसलिए इसको उस तरीके से तैयार किया गया। अब जरा नक्काशी में चाहूंगा आप अच्छे से दिखाएं, यानी अलग अलग डिजाइन, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी जल्दी ये काम पूर्ण हो जाएगा, लेकिन ये काम पूरा करके दिखाया गया है, और श्रमिकों को आज बाकायदा फूल बरसाए हैं प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर। बिल्कुल, और ये फूल बरसाए, ये पहली बार नहीं बरसाए हैं फूल, इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर जब बनाया हुआ था उस दौरान भी फूल बरसाए थे, लेकिन भावुक कितने हो गए थे प्रधानमंत्री जिस दौरान गर्भगृह में हुआ। प्रधानमंत्री तो भावुक हुए, एक एक शख्स जो इस प्रोग्राम में आया था, इस आयोजन में आया था अमित, सबकी आंखों में आंसू थे, किस तरह से सुंदर तरीके से इनमें नक्काशी की गई है। और भगवान गणेश जरा दिखाइए, जरा देखिए, सिंह द्वार से जब आप एंटर करते हैं तो इस तरीके का पिलर्स मिलते हैं, और इस तरीके के एक पिलर में 16 प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये जो नकाशी की गई है ना, हम जिस तरीके से देखते हैं भव्यता से भगवान राम का मूर्ति का निर्माण हुआ, आप तो उनका प्राण, डिटेलिंग में जाइए जरा, ये मूषक जो भगवान गणेश की सवारी है और साथ ही साथ शंख उनके हाथ में है, तो ये पूरी मूरत जैसे लगता है साक्षात उतार दी गई है, तो ये एक एक पिलर में कितना काम हुआ है ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये जरा द्वार दिखाइए, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे ये सोने के दरवाजे बने, सोने का। इस पर देखिए, ये जो दरवाजे हैं ये दरवाजे बाहर से बनकर आए, और इस पर जो ये कलर चढ़ाया गया है ये यहीं पर चढ़ाया गया है। जिस दौरान ये दरवाजे बनकर आए थे और जब एंट्री हो रही थी राम मंदिर में, उस दौरान मैं यहीं पे था, ये हमारे सामने लाए गए थे, उस दौरान मुझे ये नहीं लग रहा था कि इतना खूबसूरत ये दरवाजा दिखेगा। आप 2 फ्लोर बनने के बाद कितना भव्य होगा अंदाजा लगाइए। अब जरा सेंटर में आ जाइए, सेंटर में आइए, और जरा आप देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर है और फिर ये सेकंड फ्लोर है, आप देखिए कितना भव्य है, तमाम देवी देवता जो है वो एक तरह से उकेरे गए हैं इन दीवारों में, इन गुंबदों में। आप अंदाजा लगाइए कि ये 2025 में जब पूर्ण होगा तो ऐसा लग रहा है मानो त्रेता युग में भगवान राम जब वास करते थे यहाँ, तो उसी वक्त की शक्ल जो है वो इस मंदिर में एक तरह से उकेर के रख दी गई है। और मंदिर इतना विशाल है कि वहाँ अंदर दिखाने के लिए बहुत कुछ खास है, इतना जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर रवि सिंह ने राम मंदिर की कुछ और बेहद खास बातें डिटेल में दिखाई है। इसमें मैं मौजूद हूं राम मंदिर के अंदर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखें कि ये है मेन गेट, मंदिर जो गर्भगृह है उसका मेन गेट है, और ये दरवाजा किस तरीके से नक्काशी के साथ में तैयार किया गया है, बनाया गया है, गोल्डन कलर का ये दरवाजा है, अभी इसको बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देखें तमाम वो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ऊपर आप देखिए कि किस तरीके से सजावट की गई है, फूलों से सजावट की गई है, नक्काशी की गई है। और दूसरी तरफ आप दाहिने तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन कमल देव दिखाएंगे कि यहाँ पर और भी जो तमाम जो दरवाजे बनाए गए हैं वो भी गोल्डन कलर के ही तैयार किए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत दरवाजे आपको दिखाई देंगे इस जगह पर। आप देखिए एक एक दरवाजे, एक एक नक्काशी, एक एक डिजाइन आप देखिए, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दूसरी तरफ ये आप देखिए, ये देखिए मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलते हुए
जो मंदिर का जो परिसर है उस जगह पर ये दरवाजा ओपन होता है। ये तीसरा दरवाजा है, ये देखिए ये तीसरा गेट है। यहाँ पर देखिए ये तीसरा जो गेट है। नंदी आनंद कहाँ से हो? बहुत अच्छा है, मोड़ जाए। देखिए हिंदी नहीं बोलना जानते हैं, लेकिन इतना अपना वो भाव प्रकट करते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है। ये देखिए आप एक बार तस्वीरें इस जगह पर किस तरीके से इस डिजाइन को तैयार किया गया है। कई साल लगे, 500 साल से ज्यादा का इंतजार। जी आप बताएं कहाँ से हैं? हम सूरत से, गुजरात। सूरत से, तो कैसा लग रहा है अंदर आके? इतना अद्भुत फीलिंग है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिनकी हम सदियों से राह देख रहे थे, आज उस पल के साक्षी हम बनने जा रहे हैं। हम खुद हमारी नजर के सामने रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। आज ही के दिन हमारे रोंगटे खड़े हुए हुए, हम खुद समझ नहीं पा रहे कि हमारे आंखों के सामने ये क्या भव्य मंदिर बन चुका है। दर्शन हो गए? जी बिल्कुल। कहाँ से आप? सूरत, गुजरात। सूरत से। तो कितना समय तक इंतजार किया आज के दिन का? देखिए हम तो कृतज्ञ हैं अपने पुरखों के जिनके वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिला। 550 वर्षों का ये प्रतीक्षा है, ये पूरा जो प्रयास है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम यहाँ पहुँच पाए। तो ये देखिए यहाँ की तस्वीरें, और लोग भाव विभोर हो गए हैं, कि राम मंदिर को देख कर और रामलला के दर्शन करने के यहाँ पर पहुँचे हैं बड़ी संख्या में। पहला दिन है, प्राण प्रतिष्ठा आज ही हुई है, 22 जनवरी की वो तारीख जिसका हजारों करोड़ों लाखों जो श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वो इंतजार कर रहे थे। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आप न्यूज 18 इंडिया पर भगवान रामलला की विराजमान प्रतिमा को देख रहे हैं। नई प्रतिमा आप देख सकते हैं कि किस तरह से चमक रही है, दमक रही है। पूरा श्रृंगार भगवान श्री राम का यहाँ पर किया, बाल स्वरूप में किया गया। और अगर आप चेहरे को देखेंगे तो इसमें बाल स्वरूप भी नजर आ रहे हैं, इसमें देव स्वरूप भी नजर आ रहा है। और यही इस प्रतिमा की खासियत है, जो बताया गया था कि भगवान बाल विग्रह रूप में विराजमान होंगे और विराजमान यहाँ पर हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा। और आप देखिए कैसे एक ललक, एक झलक पाने के लिए कैसे काफी हंगामा हो रहा है, मारामारी हो रही है। ये एक रामलला मंदिर की जो मुख्य कैंपस है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि लगातार कोशिश है कि हर कोई एक झलक पाना चाहता है रामलला की, क्योंकि सालों के, सदियों के संघर्षों के बाद ये स्थिति आई है कि भगवान राम को उनका जन्मभूमि यानी कि उनके जन्म स्थान पर अधिकार मिला है। 75 से ज्यादा पीढ़ियों ने संघर्ष किया, लंबा इंतजार किया, और अब इस लंबे इंतजार के बाद ये पल आया जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि बेसब्री का इंतजार किस तरह से है कि हर कोई अपने कैमरे में उनको कैद कर लेना चाहता है। उनकी जो मनमोहक छवि है, जो बिल्कुल अद्भुत छवि है, विस्मयकारी छवि है, यहाँ से देखिए प्रभु श्री राम लला का। मैं पूरा कैंपस आपको दिखा दूँ, जो प्रांगण है, प्रभु श्री राम लला बाल विग्रह रूप में विराजे हैं और सदियों के बाद एक बार फिर से अपने गर्भगृह में यानी कि जो जन्म स्थान है वहाँ पर उनको विराजमान किया गया है। यानी कि जो एक इसी शायद यही कारण है कि सदियों के बाद ये मौका आया है तो देश में दीपावली मन रही है। पूरा देश ही नहीं, विदेशों में जो करोड़ों राम भक्त हैं वो दीपावली आज मना रहे हैं, क्योंकि एक गौरवशाली पल है ये देश को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये नेति नहीं नीति भी है, भगवान राम जो है वो देश की एकता को, एकता के सूत्र में परोने वाले राम है और देश की पहचान ही राम है, राम से ही भारत और हिंदुस्तान है। तो आज से पहले भारत के अंदर साल में सिर्फ दो दिवाली होती थी, एक कार्तिक अमावस्या की दिवाली और दूसरी कार्तिक पूर्णिमा की देव दीपावली। लेकिन अब देश के अंदर साल 2024 से तीसरी दीपावली भी मनाई जाएगी और ये दीपावली हर साल 22 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि करीब 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर दोबारा विराजमान हो गए हैं।
यही वो तस्वीरें हैं जिसका सपना करोड़ों हिंदुओं ने 500 सालों से अपनी आंखों में संजोया हुआ था। 500 सालों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान बनकर हिंदुओं के सदियों पुराने सपने को साकार कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और भारत के करोड़ों नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने अत्यंत शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य विधि विधान से संपन्न किया। चांदी का छत्र लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रवेश किए तो सारी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर टिक गईं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के उस मंडप में आए जिसकी छत और आसमान सुंदर शिल्प कला और छटा बिखेर रही थी। इस सुंदरता ने एक पल के लिए प्रधानमंत्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के गर्भगृह के ठीक पहले मौजूद मंडप में जाकर पूजा के आसन पर बैठे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वैदिक रीति रिवाज से विधि विधान संपन्न किए गए। गर्भगृह में जाने के पहले भी कुछ जरूरी पूजा और अर्चना जरूरी होती है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को तिलक लगाया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार जल लेकर आचमन किया। वैदिक परंपरा में किसी भी पूजा से पहले आचमन आवश्यक है। आचमन में 4 बार भगवान विष्णु को 4 अलग-अलग नामों से नमस्कार किया जाता है। इन 3 मंत्रों के साथ आचमन किया गया। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः और चौथे मंत्र ओम ऋषिकेशाय नमः के साथ ही हस्त प्रक्षालन का विधान है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले 3 संकल्प लिए गए। 2 संकल्प गर्भगृह से पहले मौजूद मंडप में लिए गए और 3रा संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने गर्भगृह के अंदर लिया। वैदिक पूजा विधि में मुख्य पूजन से पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प में भारतीय काल गणना के हिसाब से कल्प, संवत्सर, महीना, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, तिथि और दिवस का नाम लिया जाता है। पहले संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में फूल, मिष्ठान और धूप को लिया। इस संकल्प में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भगवान गणेश का स्मरण किया और फिर मंत्र जाप के साथ ही सभी यजमानों पर गंगा जल छिड़का गया। गंगा जल छिड़कने की इस विधि को वैदिक परंपरा में पवित्रीकरण कहा जाता है। पवित्रीकरण का मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपिवा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम स वाह्याभ्यंतर शुचिः। इस मंत्र के द्वारा शरीर, आत्मा और मन के पवित्र होने की कामना की जाती है। इस वैदिक विधि विधानों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2रा मुख्य संकल्प लिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चांदी की कटोरियां और द्रव्य यानी धन को अर्पित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के लिए गर्भगृह के अंदर प्रवेश किया। गर्भगृह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने 3रा वैदिक संकल्प लिया जहां प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह के अंदर बैठे वहीं पर चांदी का छत्र भी रखा गया था जिसको रामलला के गर्भगृह में ही सुशोभित किया जाना है। गर्भगृह में परमात्मा के आगमन के लिए प्रार्थना और मंत्र जाप आरंभ किया गया। यहां पर भी वैदिक पूजा की सारी व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी। काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री यहां पहले से मौजूद थे जिनके मार्गदर्शन में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विधि विधान संपन्न किया गया। यहां एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार जल पीकर आचमन किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने हाथों में पुष्प लेकर संकल्प लिए और उसके बाद सभी ने ये पुष्प राम लला को समर्पित कर दिए। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आखिरी संकल्प लिया जिसमें धूप और पुष्प के साथ द्रव्य यानी धन भी आवश्यक होता है। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की वो विधि शुरू की गई जिसमें राम लला की प्रतिमा में मौजूद परमात्मा की चेतना को जगाया गया। इसके लिए प्रतिमा के वस्त्रों से जुड़ी हुई एक डोर को हिलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य यजमान के रूप में और मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ ने राम लला को एक बार फिर पुष्प अर्पित किए और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विधि विधान से परंपरागत वाद्य यंत्रों के सुरों के बीच राम लला की भव्य आरती की।
मन में कण कण में राम, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, राम सिया राम किया। अयोध्या में राम मंदिर में हुआ समारोह वाकई बहुत बड़ा था, भव्य था। रामलला के दर्शन के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया से मेहमान अयोध्या आए। भगवान राम की चौखट पर कौन कौन पहुंचा, किसने क्या मांगा, किसने क्या कहा, ये दिखाने के लिए आपको सीधे ले चलते हैं भगवान श्री राम के आंगन में। जय श्री राम। सिरम मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण, अजानु भोज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषण, इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल कंजन। जिनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, भाल पर सुंदर तिलक और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जो धनुष बाण लिए हुए हैं, जिन्होंने संग्राम में खर दूषण को जीत लिया है, जो शिव शेष और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले और काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, तुलसीदास प्रार्थना करते हैं कि वो श्री रघुवर नाथ जी मेरे हृदय कमल में सदा निवास करें। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। कौन नहीं आया आराध्य राम के दर्शन करने, पूरा देश उमड़ पड़ा, हर आंख ने देखा, हर दिल ने महसूस किया, हर कान ने राम सुना। अद्भुत विलक्षण ऐतिहासिक गौरवमय जितने भी विशेषण आप दे सके, भारतवर्ष ने आज वो दृश्य देखा जिसके लिए 500 साल लंबी पत्थर कर देने वाली प्रतीक्षा करनी पड़ी। 22 जनवरी 2024 के दिन आखिरकार वो क्षण आया जब राम के देश में राम की जन्मभूमि पर राम जी विराज रहे हैं, साक्षात भक्तों की आंखों के सामने। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य तो इतने भाव विभोर हो गए कि मुख से कुछ बोल ही नहीं पाए। गर्भगृह में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। देश से विदेश से गांव से शहर से मठ से उत्तर से दक्षिण से भारत वर्ष के कोने कोने से मेहमान अयोध्या पहुंचे। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रजनीकांत, हेमा मालिनी, चिरंजीवी, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा, मालिनी अवस्थी, अनिल कुंबले, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, संजय लीला भंसाली, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कंगना रनौत, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, मधुर भंडारकर,
रोहित शेट्टी, योग गुरु बाबा रामदेव। 7,000 से ज्यादा मेहमान अयोध्या पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब आरती हुई, उस समय इन मेहमानों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मेहमानों के लिए सुरक्षा के उत्तम स्तर के प्रबंध किए गए थे। मेहमानों का जहां गेट बना था, वहां से मंदिर परिसर में एंट्री सिर्फ QR कोड दिखाकर ही हुई। इन मेहमानों को बारी बारी से दर्शन का मौका मिला। पहले संत समाज ने प्रभु राम लला के दर्शन किए, उसके बाद VVIP मेहमानों को दर्शन का मौका मिला। जिसके लिए इंतजार था वो आज पूरा हुआ, और इतना अच्छा एक कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। कई राज्यों ने आज के दिन छुट्टी रखी थी। केंद्र सरकार ने भी आधे दिन की छुट्टी घोषित किया था। सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या में वाहनों की एंट्री पहले से ही बैन थी। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर थी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बिना किसी बाधा के ही संपन्न हुआ। न्यूज 18 इंडिया के अमीश देवगन और रोबिका लियाकत भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बने। इस दौरान वहां पहुंची कुछ हस्तियों से रोबिका लियाकत ने बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ अरुण योगीराज मौजूद हैं, जिनकी खूबसूरत मूर्ति आपने रामलला के रूप में देखी है। अब तो प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद। लेकिन कैसी अनुभूति थी? आप राम मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं और उसी राम मंदिर के गर्भगृह में वो मूर्ति है जिसे आपने बनाया। मैंने बहुत छोटा काम बनाया है, मगर देश का दिल में लल्ला का प्यार बढ़ा है, इसलिए आपको काम बड़ा दिख रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। अंबानी परिवार ने इस पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपए दान दिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुकेश अंबानी, पत्नी नीता अंबानी और अपने दोनों बेटों, बहू और बेटी दामाद के साथ शामिल हुए। अंबानी परिवार ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुकेश अंबानी ने कहा कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, पूरा देश दीपावली मना रहा है। कार्यक्रम के दौरान रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी पत्नी श्लोका के साथ राम मंदिर में मौजूद थे। साथ ही छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट भी मौजूद थी। इस खास मौके पर पति आनंद पीरामल के साथ पहुंची ईशा अंबानी भी बेहद खुश नजर आई। ईशा अंबानी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को अपने जीवन का सबसे खास दिन बताया। कार्यक्रम के दौरान अंबानी परिवार खासा उत्साहित नजर आया। तो मुंबई में अंबानी परिवार का निवास सेंटिलिया भी श्री राम के नाम से जगमगाता कुछ इस तरह से नजर आया। खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी के जरिए एंटिलिया को सजाया गया, जिसमें जय श्री राम और राम मंदिर की छवि उभर कर सामने आ रही थी। इस मौके पर अंबानी परिवार की तरफ से भंडारे का भी खास आयोजन किया गया। एंटिलिया के सामने हुए अन्न सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। तो अंबानी परिवार ने कुछ इस तरह से श्री राम के इस भव्य कार्यक्रम में खुद को शामिल भी किया और भव्य भंडारे का आयोजन कर अन्नदान भी यहां पर किया गया। तो अयोध्या में अंबानी परिवार ने दर्शन पूजन किया और इस खास मौके पर शिरकत की।